ये रही मेरी गाड़ी, वो फ्यूल पंप गया। ये बंदा, इसका नाम राज है। सुबह के 11 बजे हैं और मैं अभी मल्लिक बाजार में हूँ, कोलकाता के मल्लिक बाजार जगह पर। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, देखो ये मल्लिक बाजार पीछे, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये ज़बरदस्ती बना रहा हूँ। इसका कारण भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। बाय द वे नमस्कार दोस्तों, मैं उसोम और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है एसोम। तो चलिए कारण मैं बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। कल रात को, यानी आज है 2 अगस्त 2024, कल रात को 1 अगस्त, कल रात में सुबह से मेरी गाड़ी ने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू किया। पहले तो फ्यूज़ गया, फ्यूज़ ठीक करवाया, उसके बाद अपने काम पर गया। काम से वापस आते वक्त फिर फ्यूज़ अगेन से फ्यूज़ गया वगैरह वगैरह करते करते लास्ट में फ्यूल पंप उड़ गया। और यहाँ पर ये जो पीछे जो रास्ता देख रहे हो, इस रास्ते से मेरे को धक्का मार मार कर इस जगह तक लाना पड़ा। मैं धक्का मार कर ला ही रहा था, गनीमत है वो मेरे पीछे। यहाँ पे देखोगे एक दो बंदों को देख रहे हो, उसमें से जो नीचे सड़क पे खड़ा है और ये मेरी गाड़ी पीछे आप देख रहे हो, उस बंदे ने मेरे से पूछा, सर जी क्या हुआ? मैंने बताया कि ये बात है, ऐसा ऐसा बात है, गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी इस बंदे ने अपने रिस्क पे यहाँ पे रखा, रख कर उसने बोला कि सर अभी पानी बरस रहा है और कल धुआंधार पानी बरसा है, पानी बरस रहा है सर, अभी ठीक नहीं कर सकते, सुबह मैं ठीक करूँगा। मैंने कहा ठीक है भैया, सुबह ठीक कर लेना। मतलब फुल ऑफ रिस्क पे कल गेम मैंने खेला है। इस एक्सपल्स ने तीसरी बार मुझे पूरी तरीके से धोखा दिया है, तीसरी बार। खरीदने के बाद ही, 6 दिन के बाद ही एक बार धोखा दिया था, इसके बाद बीच में एक बार और दिया था, और ये रहा तीसरी बार ऐसा धोखा दिया एक्सपल्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्सपल्स बनाते वक्त इन लोगों के दिमाग में, इंजीनियर्स के दिमाग में क्या था क्या नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना धोखा देना ठीक नहीं है गाड़ी का। ये रही मेरी गाड़ी, और ये जो बंदा नीचे खड़ा है, ये गाड़ी का पहले तो हुआ, कल यहाँ से फ्यूज़ गया, ये यहाँ से एक फ्यूज़ है, बड़ा सा फ्यूज़ है, वो गया। वो जाने के बाद स्टार्ट करते करते इसका फ्यूल पंप गया, फ्यूल पंप यहाँ नीचे लगा हुआ, ये नीचे यहाँ पे फ्यूल पंप लगा हुआ है, वो फ्यूल पंप गया। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ये देखो नीचे यहाँ पे फ्यूल पंप है, ये फ्यूल पंप कल यहाँ से चला गया था। तो इस फ्यूल पंप को इसने ठीक किया, उसका पार्ट्स ये रहा, फिल्टर उल्टर सब निकाल कर इसने ठीक किया। ठीक करने के बाद अभी गाड़ी चल रही है इस बंदे ने। ये जो देख लो, ये मिस्त्री है, इसका नाम राज है, इसने इस गाड़ी को ठीक किया। ठीक करने के बाद गाड़ी तो अभी ठीक ठाक चल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो प्रॉब्लम आ रही थी मेरे का यहाँ पे, जो ये जो मैंने कल निकाल दिया है, इसको लगा कर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। ये बंदा, इसका नाम राज है, इसने गाड़ी को ठीक किया, फ्यूल पंप, हाँ फ्यूल पंप में क्या गड़बड़ हुआ था जरा बता दो आप व्यूअर्स। फ्यूल पंप जो है ना टोटली बैठ गया हुआ था, फ्यूल पंप उसका फिल्टर टोटली चेंज हुआ है, तब जाके ये गाड़ी ऑन हुआ है, फ्यूल पंप ऑटोमेटिक चलते चलते आपका बैठ गया था। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हीरो एक्सपल्स 200 में जो फ्यूज़ होता है वो सीट के नीचे होता है, चार या छः फ्यूज़ ऐसा होता है, वो सीट के नीचे होता है। और एक जो फ्यूज़ होता है वो बड़ा वाला फ्यूज़ होता है, वो जो बैटरी बॉक्स है साइड में, जो बैटरी बॉक्स है ना, बैटरी बॉक्स के ठीक बगल में एक छोटा सा बॉक्स बना रहता है, उस वहाँ पर होता है। इसे यहाँ से एक फ्यूज़ है, बड़ा सा फ्यूज़ है, ये मुझे इस बार पहली बार पता चला। जैसा कि मैं देखा, मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी,
तो उस बैटरी बॉक्स के नीचे देखो, ये एक ऐसा फ्यूज़ होता है बड़ा सा, ये देखो आप लोग देख पा रहे हो, बड़ा सा फ्यूज़ होता है। और इसका देखो दो डैना होता है, एक डैना देखो टूट गया है, देख रहे हो, ये एक डैना टूटा हुआ, यही ख़राब हो गया था। इसने पूरा मेरा कल का दिन पूरा मेरे को परेशान किया, और इसकी वजह से वो फ्यूल पंप का मोटर भी उड़ गया था। तो जैसा कि मैंने बताया, एक मैकेनिक को भी देखोगे आप लोग, राज नाम है, उसने ये सही किया, और उसने नहीं, ये दूसरे मैकेनिक ने सही किया। और ये रहा फ्यूल पंप के अंदर जो बगल में लगा हुआ था, वो ये मोटर, ये है मोटर ऊपर वाला आप जो देख रहे हो, ये मोटर है, ये रहा ये मोटर है, और ये फिल्टर है, ये जो देख रहे हो ये फिल्टर भी गया था पूरा, देखो काला हो गया फिल्टर, पूरा काला हो गया देखो। और ये मोटर भी, ये जो मोटर है, ये मोटर भी ख़राब हो गया था। सर्विस सेंटर जाता तो पूरा पंप चेंज करता, उसने ये मोटर चेंज किया, सिर्फ नया मोटर लगाया है, गाड़ी अभी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। और फ्यूज़ में हमेशा ध्यान देना, फ्यूज़ हम लोग जैसा कि उड़ जाता है तो हम लोग सीट के नीचे वाला जो फ्यूज़ होता है वो बार बार चेंज करते हैं या नया लगाते हैं, लेकिन उस सीट की बैटरी बॉक्स के बगल में भी एक ये होता है, मैंने एक्स्ट्रा नया ख़रीदा भी है, देखो उससे बोल कर मैंने, ये देखो एक दो, ये देख रहा हूँ, दो एक्स्ट्रा मैंने नया ख़रीदा है, ये ख़रीद कर अपने पास सेफ गार्ड के लिए मैंने अपने पास रख दिया, ये दो कितना 10-20 रुपए का मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। और जो छोटे छोटे फ्यूज़ है वो भी ख़रीद के मैंने रखा हुआ, तो ये आप लोग हमेशा कैरी करना, ये फ्यूज़ वगैरह कैरी करना। और फ्यूल पंप का तो ये चक्कर था, अब आप लोग संभल जाना कि फ्यूल पंप अगर ख़राब होता है तो कैसे क्या करना पड़ेगा, बिकॉज़ मैं तो बहुत बुरी तरीके से कल झेला हूँ, बहुत बुरी तरीके से झेला हूँ मैं। तो फ्यूल पंप सोचे, यहाँ फ्यूल पंप ये बैठ गया था यहाँ पर, इस वजह से इस गाड़ी ये तीसरी बार इतना बड़ा धोखा दिया इस गाड़ी ने, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इस गाड़ी का, बाय द ऐसा चल रहा है, अब फिर कब क्या होगा कोई ठिकाना नहीं इस गाड़ी का। तो अभी कंडीशन क्या है गाड़ी? अभी कंडीशन सही है, आप बेफिक्र होकर चला सकते हैं, चलाइए बेफिक्र होकर। चलो, इसने तो कहा है कि दया रहेगा भगवान का, हाँ तो एकदम हम मेरा भी सही चलेगा, आपका भी सही चलेगा भगवान के दया से, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा भी नाम का बात आ जाता है कि काम करके दिए हैं। हाँ, तो अच्छा आपका फोन नंबर बता दो यहाँ पे लोग। 7477-46120। इस नंबर पे इससे अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम हुआ गाड़ी पर, ये मलिक बाज़ार में नोनापुकुर ट्राम डिपो के पास है, इसका गैरेज का छोटा सा चलता फिरता गैरेज है, बंदे ने मेरा काम किया, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेहनताना जो भी है वो तो लेगा ही लेगा, अब मेरी बात आप आकर बोलोगे तो शायद कुछ कंसीडर कर दे। हाँ, आपका इस नंबर आपको मिल गया, कॉन्टैक्ट कर लेना, कहीं भी इस रोड में कहीं भी आप रहोगे तो वो आके आपकी गाड़ी को ठीक कर देगा। इसने मुरे को कहा है, मैं भी कह रहा हूँ अपने ऑडियंस को, जो भी सुन रहा है इधर जो भी होंगे वो आप लोग देख लो, मैंने नंबर दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, चलाते हैं देखते हैं फिर क्या होता है। एकदम चलाइए भगवान का नाम लेके, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इंसान से बड़ा भगवान होता है, भगवान का नाम लेके चलिए सब सही चलेगा। तो कहानी कुछ ये था मेरी गाड़ी का, कहानी के नायक ये है, मेरे बगल में खड़े हुए हैं। तो ज़्यादा मैं वीडियो का लंबा नहीं बना रहा हूँ, आप लोग आइए कॉन्टैक्ट कीजिए इससे करके, जो भी होगा जैसा भी होगा गाड़ी, कोई भी गाड़ी, पर्टिकुलर मैं एक्सपल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी गाड़ी होगा जैसा भी गाड़ी होगा आप आके इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हाँ, ना गाड़ी का नया पुराना सब पार्ट मिल जाएगा। हाँ, नया पुराना पार्ट्स भी मिल जाएगा, ये कह रहे हैं कि नया पुराना पार्ट्स भी मिल जाएगा। ये मलिक बाज़ार नोनापुकुर है, देखो पीछे ये देखो मलिक बाज़ार, इधर ये आप इधर जाओगे सियालदह चले जाओगे सीधे, और इधर जाओगे तो आप गड़ियाहाट की ओर चले जाओगे। तो चलिए, खैर वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ एक और वीडियो में, एक नए टॉपिक, नए दिन और नए
ज्वलंत उदाहरण के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, टाटा।